जय माता दी। दोस्तों स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्तों, कल का जो रिजल्ट रहा, दिल्ली बाजार 50 के रूप में, फरीदाबाद 65 में, गाजियाबाद 71, गली में 15 और देशावर में सुबह 22 देखने को मिली है। क्या कुछ अंकगणित। शनिवार के दिन के हिसाब से इन जोड़ियों के खुलने के बाद तारीख के हिसाब से बन रहा है, उस पर विस्तार से चर्चा करूंगा। उससे पहले चाहता हूं कि कल का अंकगणित देख लें एक बार, कल क्या कुछ हमने किया था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कल 28 तारीख को मैंने आपको क्रॉसिंग के अंकों में दुग्गी सबसे महत्वपूर्ण बताई थी, दुग्गी तिग्गी 0, 8, 9, 6। मैंने तिग्गी रखी, मैंने 8 रखा शुक्रवार का ध्यान रखते हुए, मैंने 0 रखा, लेकिन मैंने कल पंजा नहीं रखा जो कि 28 तारीख की काट होती है, बड़ा बेहतरीन अंक होता है। उम्मीद थी कि भैया पंजा 3-4 दिन से बंद चल रहा है तो 0 उसकी जगह पर काम कर सकता है, लेकिन मैं गलत साबित हुआ। दिल्ली बाजार 50, पंजा खुला, फरीदाबाद 65 और गली की 15, तीन जगह पर पंजा खुला है जो कि 28 तारीख की देन है, जो कि 28 तारीख से निकल कर आया। हमारा खेल जो है क्रॉसिंग का, अगर बात करूं तो सिर्फ और सिर्फ दिशावर में 22 के रूप में पास हुआ है। अगर बात करोगे कि बाबा जी आपने खेल तो बढ़िया बनाया था, तो बिल्कुल खेल बहुत अच्छा बनाया था। उम्मीद थी कि यहां पर आपका 0 का अंक खुलने के चांस बनने थे। 0 की राशि क्या होती है? 0 की राशि होती है 5। तो दोस्तों यहां पर 5 खुला है, यहां पर आप देखोगे 15, यहाँ पर भी मैंने आपको 0 बोला था, यहाँ पर भी आप अगर नोट करोगे तो राशि में खेल कटा, पंजा आया। यहाँ पर आप देख लो, मैंने आपको 28, 20, 24 का खेल बताया, यहाँ पे आई हुई है 71, तो यहाँ पर भी राशि में खेल कटा है। दुग्गी की जो राशि होती है 7 होती है। मैंने जो अंक नीचे खुले हुए थे, जो अंक नीचे वर्किंग में थे, उनके साथ काम किया जो कि फेल हो गया। अगर वही सब चलता तो आपको बढ़िया काम देखने को मिल सकता था। ये थोड़ा सा सरप्राइजिंग होता है। आप नीचे हमेशा जब भी काम करते हो, जोड़ियां बनाते हो, तो कैसे बनाते हो? जो जोड़ियां खुली है उसके आगे पीछे करना सिखाता हूं मैं, इसमें से क्या कुछ निकल कर आता है ये सिखाता हूं मैं। अगर उसकी राशि खुल जाए तो फिर ना तो आपका जोर चलेगा ना मेरा जोर चलेगा, हमने अपना बेहतरीन काम किया। एक चीज़ यहां पर ये थी कि भैया दिल्ली बाजार में आपको 29, 79, 22 का खेल बताया था, 22 आपकी दिशावर में गई है, बेहतरीन तरीके से बनाया था, बढ़िया चांस थे। दुग्गी देख लो, एक जगह पर, दो जगह पर रखी है, 0 दो जगह पर रखी है। अब खेल आप देख सकते हो, आपके सामने है, जो भी बताया फेल हुआ तब भी आपके सामने खड़ा हूं, अगर पास होता तब भी आपके लिए ही था। तो ये तो कल का खेल था, अब हम आज के खेल में क्या कुछ बेहतरीन कर सकते हैं, तारीख को देखकर, शनिवार को देखकर क्या कुछ बढ़िया हो रहा है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं अंकों की बात करूं तो मुझे लगता है कि दुग्गी का अंक अभी खुलने के चांस बनेंगे जिस प्रकार से 22 खुली है। इसके अलावा सत्ते के चांस बन रहे हैं, इसके अलावा पंजे के चांस बन रहे हैं, रख लिया है, इसके अलावा इक्के के चांस बन रहे हैं, इसके अलावा 0 और साथ में 3 का अंक बन रहा है। आज शनिवार है, 8 के अंक की जगह पे तिग्गी रखी है। अब अगर कल की तरह हो जाए कि भैया 0 रख लिया, पंजा नहीं रखा, तो वो हमारी अपनी किस्मत है। अगर 8 खुलता है तो भैया मैं यहाँ पर तिग्गी रख रहा हूँ, वो हमारी अलग समस्या है। जो नीचे अंक काम करके दे सकते हैं, सबसे पहले उनका चयन किया गया है, उनको चुना है कि भैया लोगों को गेम फायदा दिलाए, लोगों को पासिंग मिले, क्रॉसिंग से मिले या फिर जोड़ियां निकल कर आए। तो इसलिए जो चीज़ें आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं उसको एक माला में पिरो दिया है। अब आपको देखना है कि ये माला गले में पहननी है या फिर ये अपने मेज पर सजा के रख देनी है। तो ये चीज़ें आपको करनी है। मैंने अंकों का जो बेहतरीन समीकरण हो सकता था, जिस प्रकार से अंक नीचे काम कर रहे हैं, इक्के का अंक काम कर रहा है तो इक्का रखा है, 0 के चांस बनेंगे, यहाँ पर आपका पंजा काम करके देखे गया 3 बार, तो मैंने 3 बार पंजे को रख लिया है। दुग्गी के चांस है 22 के बाद, तिग्गी के चांस भी बनेंगे तो एक बार नज़र मार लेना। ये क्रॉसिंग है, ये फ़ायदा दिला सकती है, बढ़िया लाभ करवा के दे सकती है। तो क्रॉसिंग की बात करने के बाद अब फटाफट से खेल को लेके चलते हैं विद लोकेशन की तरफ से। तो भैया विद लोकेशन में क्या कुछ बेहतरीन हम कर सकते हैं? दिल्ली बाजार 50 के ऊपर क्या कुछ रखें? तो 50 के ऊपर 0, 1 रख लेते हैं, 50 के ऊपर 15 रख लेते हैं और 50 के ऊपर ही 25 का समीकरण रख लेते हैं। ये तीन जोड़ियों में खेल मजबूत निकल कर आ रहा है। शनिवार ट्रिक लग रही है, जो खेल नीचे चल रहा है घटाने बढ़ाने का वोट लगा दिया, 15 खुली हुई है तो दोबारा खुलने के चांस भी बन रहे हैं। 15 की जो सबसे बेस्ट लोकेशन है ना, वो दिल्ली बाजार है। दिल्ली बाजार में हर महीने में एक आधी बार 15 जरूर खुलती है, इस महीने भी खुल चुकी है, लेकिन कल गली ने खोली, इससे पहले दिशावर भी खोल चुका है। तो 15 का बेहतरीन समीकरण यहाँ पर बनता है। 50 के ऊपर 15, 51 खुलने के चांस बन रहे हैं, 50 के ऊपर 0, 1 25 के चांस बन रहे हैं, तो एक नज़र मार लेना इस पर।
प्रभु की कृपा रही तो आपकी गेम बढ़िया से पास हो जाएगी। पंजे का अंक ही यहाँ पर आपके लिए भाग्यशाली रह सकता है, पंजे का अंक ही आपके लिए यहाँ पर हरूफ का काम कर सकता है। तो यहाँ पर दिल्ली बाजार तीन जोड़ियों में समेट दी है, बेहतरीन तरीके से जो जोड़ियाँ बनी आपके लिए रख दी हैं। अब यहाँ से फरीदाबाद की बात करें तो फरीदाबाद में क्या कुछ हो सकता है, तो देखो 65 के बाद का जो खेल निकल कर आ रहा है, 65 फरीदाबाद की एक अच्छी जोड़ी है। जो पहले कुछ महीने पहले तक मैं हमेशा कहता था कि भैया 65-23, 0-1-10 ये फरीदाबाद की जोड़ियां हैं, ये हर महीने खोलनी खोलनी होती थी उसे, लेकिन अब थोड़ा सा इसका वर्चस्व कम हो गया है। थोड़ा सा होता है ना कि हमारे कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो हमारे बहुत नज़दीक होते हैं किसी टाइम पर, लेकिन चढ़ते टाइम के हिसाब से हमारी नई पहचान होती है, नए दोस्त बनते हैं, तो जो पुराने दोस्त होते हैं उनसे थोड़ी बातचीत कम हो जाती है, लेकिन प्यार तो रहता ही है। तो वही फरीदाबाद का भी प्यार है 65 से। अब 65 के ऊपर ट्रिक लग रही है जो, वो लग रही है 23-32 की, ठीक है। एक ट्रिक लग रही है कि 22 के बाद 40 खुलने के समीकरण बनने हैं, तो ये 22 आपको 40 ला के दे सकती है। इसके अलावा 59 के समीकरण बन रहे हैं, यहाँ पर फिर से पंजा खुलने के समीकरण है, क्योंकि इस कंपनी ने अभी तक हर अंक के साथ ऐसा ही काम किया है कि अगर नहला खोला तो 2-3 दिन खोल दिया, तिग्गी खोली तो 3 दिन खोल दी, चौवा खोला तो 3 दिन खोल दिया। तो कहीं ना कहीं चांस तो है बाबा की, भैया 59-40-23 के चांस बन रहे हैं। 59 आपकी इसमें सबसे बेस्ट जोड़ी है जो कि खुलने के समीकरण लेकर आ रही है। 23-40 का समीकरण भी बहुत बढ़िया है, तो जो इस लोकेशन में बेहतरीन बना आपके सामने रख दिया, आपके सामने परोस के आपको सर्व कर दिया है कि बस अब नज़र आपको मारनी है, आप किस प्रकार से नज़र रखते हो इस पर, किस प्रकार इससे फ़ायदा लेते हो। अब यहाँ से बढ़ते हैं गाज़ियाबाद की तरफ। गाज़ियाबाद में 71 के ऊपर क्या कुछ बेहतरीन खेल निकालना है, तो भैया 71 के ऊपर आपकी 57-75 का खेल बेहतरीन बन रहा है, टॉप क्लास जोड़ी है, खुलने के समीकरण वाली जोड़ी है। इसके अलावा 12 खुल सकती है, और इसके अलावा यहाँ पर 37 खुल सकती है जो कि टॉप क्लास चांस लेकर आ रही है। 70 यहाँ पर दोबारा से खुलने के समीकरण बन रहे हैं। हालांकि एक चीज़ नोट की गई है कि गाज़ियाबाद जल्दी से अपने हरूफ रिपीट नहीं कर रहा, अगर कर रहा है तो मात्र 1-2 दिन लगाता है अपने एक हरूफ के साथ, उसके बाद हरूफ बदलना शुरू कर देता है। लेकिन फिर भी ट्रिक है, पैटर्न है, इस्तेमाल कर लेते हैं। 57-12-37 का खेल मजबूत बन रहा है, ट्रिक लग गई है, पैटर्न लग गया है, सारे समीकरण लगा दिए हैं, तो अब गेम पास होना चाहिए अगर सब कुछ खेल इसी प्रकार चलता है तो। कल का जो खेल फेल रहा था उसके पीछे कारण यह भी था कि 50 खुली, 2 इक्के खुल गए, बाहर की 0 इक्का लेके आती है आपके लिए, तो खेल यहां पर चौपट हो गया। इसके अलावा 50 खुली, जो 65 खुली, और श्री गणेश में जो 26-62 खुली है, उसने खेल को काफी प्रभावित किया है, क्योंकि 26 के बाद आपकी 26 की फैमिली 71 आ गया, 22 भी उसी में से खुला है। तो चीजें कई बार ऐसा होता है कि हम अभी काम कर रहे हैं कल की जोड़ियों पर, जो कल नीचे हमारे रिजल्ट खुला था, लेकिन अब अगर यहां पर आज कुछ ऐसी जोड़ी खुल जाए जिस पे हमने काम ही नहीं किया, जो हमारी नजर में नहीं थी, अचानक से नई कोई जोड़ी खुल गई, 50 उसी का उदाहरण है। 50 की जोड़ी बंद चल रही थी, खोल नहीं रही कंपनी, लेकिन 50 खोली तो 65 वापस आ गई, 65 खुली तो 71 आ गई, 71 खुली तो 15 जो काफी दिनों से बंद चल रही है। दिशावर ने मारी थी मेरे हिसाब से दूसरे हफ्ते में, उसके बाद 2-1 दिन के अंदर दिल्ली बाजार ने मार दी थी, उसके बाद से 15 खुली नहीं है। तो यहाँ पर जो खेल खुला था ये बिल्कुल नया था, इसलिए आपकी गेम पिटी है, इसके अलावा कोई और कारण नहीं था। अगर नॉर्मल चीज़ें चलती रहती हैं तो आपको फ़ायदा होगा ही होगा, और ऐसे दिन भी बीच में आते रहते हैं, कम से कम 5-7 दिन ऐसे आते हैं महीने में कि कंपनी एकदम से खेल की चाल बदल देती है। तो आपको उस खेल के लिए तैयार रहना पड़ेगा, तभी आप जीतोगे, तभी आप सीखोगे, तभी आप फ़ायदा भी लोगे। अब यहाँ से खेल को बढ़ाते हैं आगे, गली की तरफ बढ़ते हैं, गली में क्या कुछ बेहतरीन हो सकता है। तो भैया गली में जो खेल निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है मात्र 2 जोड़ियों में, 11 का जोड़ा और आपका 50 रिपीट में। तो ये खेल मेरे समझ में आया 15 के बाद, तो यहाँ पर मैंने आपके लिए रख दिया, 1-1 का चांस बनाया है, ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है, आपको गेम पासिंग में मदद करवा सकता है, या फिर इसके इर्द गिर्द की जो जोड़ियां हैं अगर आप उसमें से कोई समीकरण निकालोगे तो आपको पासिंग देखने को मिल सकती है। तो गली में यहां पर 2 जोड़ियों में ही खेल अच्छा रहने वाला है, जो आपको बढ़िया फ़ायदा कराने के चांसेस रखता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं दिशावर की, दिशावर में क्या कुछ बेहतरीन कर सकते हैं। तो भैया दिशावर में कल सुबह पड़ेगा रविवार का दिन, रविवार के दिन के हिसाब से अगर देखा जाए तो 22 के ऊपर आपकी 25 के चांस बेहतरीन बन रहे हैं, इसके अलावा आपके 95 के चांस अच्छे बन रहे हैं। अब एक चीज़ नोट करना, 25 मैंने आपको दिल्ली बाजार में दी है, 59-95 मैंने आपको फरीदाबाद में दी है, इसका मतलब है कि ये जोड़ियाँ कहीं ना कहीं खुल सकती हैं, चांस बनाकर दे सकती हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये जोड़ियाँ अच्छी हैं तो अपना ओल्ड गेम में इसे डालकर
लेकर चल लेना, आपको फायदा मिल सकता है। इसके अलावा आपको एक और चीज़ कहना चाहूँगा, मैं हर रोज़ कहता हूँ, कुछ सोचता हूँ, कुछ करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन कोई ऐसी शक्ति है जो मुझे रोक लेती है, जो मुझे अपडेट नहीं करने देती, या फिर मैं थोड़ा सा ये सोचता हूँ कि यार गेम मैंने थोड़ी सी बढ़ा दी है, देना चाहिए अपडेट या नहीं देना चाहिए। क्योंकि मेरा ना काफ़ी सॉफ्ट दिल है आप लोगों के प्रति, मैं ये नहीं चाहता कि मैं आपको ये भी जोड़ी बता दूं, ऐसा बता दूं, वैसा बता दूं। मैं सोचता हूं कि वीडियो बना दी है, समझा दिया है, लोगों का काम निकल जाएगा, जबकि लोगों को भी नीड रहती है, वो चाहते हैं कि बाबा जी आप कुछ तो डालो, कुछ तो अपडेट करो, आप फेल करवा दो गेम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अपडेट करो। तो वो भी चाहते हैं कि कुछ अपडेट आया करे। तो फिर वही एक विश्वास के साथ, एक उम्मीद के साथ कह रहा हूं कि भैया कुछ अपडेट बनेगा तो आपके लिए ज़रूर साझा करूंगा। मैं कोशिश करता हूं कि यार ऐसा कुछ हो जाए, ऐसा कोई अपडेट दिख जाए जो आपको सीधी पासिंग दिला दे, तो आपके वारे न्यारे हो जाएं, बढ़िया से आपका फ़ायदा हो जाए, जो आपको चाहिए मुझसे। तो कोशिश रखो, एक विश्वास रखो, करने की पूरी कोशिश रहती है कि कुछ बढ़िया कर दूं, जिससे कि आपका जो कुछ गया है वो मिल जाए, या फिर जिस उम्मीद में आप बैठे हो कि भैया कुछ फ़ायदा होना चाहिए, कुछ फ़ायदा होना चाहिए, तो वो फ़ायदा आपको मिले। अब राम जी से जो भी है बढ़िया से प्रार्थना करेंगे कि आपके लिए गेम पास हो, आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले, आप बढ़िया से उस फायदे का उपयोग करें। इन्हीं शब्दों के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को राम राम, नमस्कार, ढेर सारा प्यार।